दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में चल रहे सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला का बुधवार को समापन होगा, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बुधवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति में व्याख्यानमाला के अंतर्गत सातवें और अंतिम दिन पुस्तकालय हाल में राष्ट्रवाद के समक्ष चुनौतियों विषय पर व्याख्यान आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि एवं प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ राष्ट्रवादी विचारक व पत्रकार नई दिल्ली तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर एस तोमर, पूर्व विभाग अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी होंगे। प्रख्यात वक्तागण छात्रों को अपना मार्गदर्शन देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, दरअसल आज तो छठवां दिन था और आज भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास इस विषय पे जो है मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, जो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, उनका मार्गदर्शन और उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त हुआ। और कल समापन सत्र में जाने माने राष्ट्रवादी विचारक और वरिष्ठ पत्रकार श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कल के मुख्य अतिथि होंगे और इस राष्ट्रवाद के समक्ष चुनौतियाँ इस विषय पर उनका उद्बोधन होगा। उनके साथ प्रोफेसर आर एस तोमर, जो विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हैं, वो भी विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद होंगे।